हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बटर मसाला पनीर। इसके लिए मैंने लिया है 4 मीडियम साइज के टमाटर को इस तरीके से कट कर लिया है लंबा लंबा। 4 लिए हैं मीडियम साइज के प्याज, इस तरीके से इनको कट कर लेना है। और 10 से 12 लहसुन की कलियाँ। और बीच का जो प्याज इस तरीके से निकाल लिया है हमने, इसको बाद में डालेंगे। इन सारी चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में लगा दिया है तेल। तेल हमारा गरम हो गया है। इसमें सबसे पहले डालेंगे लहसुन की कलियाँ, डाल देंगे प्याज, अब आधा चम्मच डाल देंगे नमक, इससे हमारा प्याज जल्दी भुन जाएगा। डाल देंगे टमाटर, इधर हमने ले लिया है पंपकिन के थोड़े से बीज, 5-6 काजू और 10-12 किशमिश। इन सारी चीज़ों को डालेंगे जार में कि पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। इस तरीके का पेस्ट चाहिए हमें। इन सारी चीज़ों से पनीर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। प्याज और टमाटर अच्छे तरीके से भून गए हैं। अब गैस को कर देंगे ऑफ और ठंडे होने के बाद इसको भी मिक्सर जार में डाल के पीस लेंगे बारीक सा पेस्ट बना। इस तरीके का पेस्ट हो गया है तैयार। यह मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, उसको ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। एक हमने ले लिया है पैन, उसपे डाल दिया है बटर। अब बटर में थोड़ी सी जाएगी हल्दी, इस तरीके से मिला देंगे। अब ऐसे पनीर को इसमें रोस्ट कर लेंगे हल्का हल्का। जब तक पनीर रोस्ट हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। पनीर हमारा फ्राई हो गया है। अब इसको कर देंगे फ्राई। एक कढ़ाई ले लेंगे, इसको गरम करेंगे। अब इसमें मसालों को फ्राई करेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें डालेंगे जीरा, 4 से 5 काली मिर्च ली हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज पत्ता, सौंफ, गरम मसाला। अब इसमें डालेंगे अब इसमें डालेंगे मसाले, आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, डालेंगे इसमें प्याज, जो प्याज इस तरीके का काट के रखा था वो रहेंगे, वो डालेंगे। फ्राई हो जाएगा इसमें, स्लो गैस पे इसको फ्राई कर लेना है। मसाले के साथ प्याज भी जाएगा अच्छी तरीके से। थोड़ा सा ऐड कर देंगे इसमें पानी।
इसमें पड़ेगा पम्पकिन, काजू, किशमिश का जो पेस्ट तैयार करा था वो, थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हमने पहले डाल दिया था प्याज को भूनते टाइम। मसाला देखिए अच्छी तरीके से भून गया है। अब इसमें जाएगी 4 से 5 चम्मच रस मलाई। लास्ट में जाएगा 2 छोटे चम्मच गरम मसाला। पनीर को इसमें कर लेंगे ऐड। देखिए पनीर हमारा बन करके पनीर बटर मसाला तैयार है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अब थोड़ा सा पनीर ऊपर से इस तरीके से कस के डाल देंगे, इसे देखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। सॉरी, देखने में सुंदर लगेगा, खाने में टेस्टी लगेगा। देखिए बटर मसाला पनीर टेस्टी टेस्टी बन करके हो गया है रेडी। इसे गर्मा गर्म सर्व करें पूरी के साथ, नान के साथ।